इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई है और कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है बुधवार तक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक ये सर्वे रोका जाएगा शाम 5 बजे तक, तब तक वक्त है मुस्लिम पक्ष को कि वो हाई कोर्ट जाए और अपना पक्ष रखे। ऐसे में जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर रोक की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर, ऐसे में यूपी सरकार से पूछा गया कि किस तरह से इस पूरे मामले में सर्वे चल रहा है और ये कहा गया कि खुदाई नहीं होगी। और अब एक राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है और 26 जुलाई तक वो हाई कोर्ट चले जाएं शाम 5 बजे तक, तब तक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी किसी भी तरह से यहां सर्वे नहीं करेगी। जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहाँ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया क्योंकि वहां अचानक तेज बारिश होने की वजह से वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा और कई मोहल्ले में तो पानी इतना ज्यादा था कि लगा मानो सुनामी आ गई हो, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। वो घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंचे। खराब मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। बारिश के बाद वहां के समुद्र का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद हुए 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारी बारिश के बाद उस हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहां के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश का पानी निकलने के बाद वहां हुई बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे गए, क्योंकि वहां बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की गाड़ी, घर, सामान सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां के लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से उनका बहुत सा सामान खराब हो गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और कई लोगों की कार तो पानी के साथ बह गई। कुछ गाड़ियां खंभों और दीवारों से टकराकर पूरी तरह टूट गईं। पानी में गिरते ऐसे गाड़ी सब चली गई है और घर में भी सबको बहुत नुकसान है। पानी निकलते ही वहां से बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी।